हाय, आप सभी को मेरा नमस्कार। कल एक कॉल आई थी मेरे पास कि सेलर अपना एक फ्लैट बेच रहे हैं और वो फ्लैट गुड़गांव के सेक्टर 107 में है ना। उस फ्लैट की बिल्डर बायर एग्रीमेंट और सारी पेमेंट रिसिप्ट गुम हो गई है, मिल नहीं रही है। मतलब घर में ही कहीं रखी है लेकिन मिल नहीं रही है। तो इस केस में डील कैसे क्लोज होगी, होम लोन कैसे मिलेगा बायर को? क्योंकि इस केस में क्या होगा कि सेलर के तरफ से FIR करनी पड़ेगी कि मेरा फ्लैट नंबर ये है, टावर नंबर ये है, सोसाइटी का नाम ये है, सेक्टर 107 में स्थित है और मेरा प्रॉपर्टी पेपर्स में से बिल्डर वायर एग्रीमेंट और सभी पेमेंट रिसिप्ट गुम हो गई है। ये एक FIR करनी पड़ेगी और उस FIR की कॉपी चाहिए होगी। दूसरा काम क्या करना है कि उनको अखबार में ऐड डालना पड़ेगा, हिंदी और अंग्रेज़ी अखबार में जो नेशनल न्यूज़पेपर है उसमें, कि मेरा प्रॉपर्टी पेपर गुम हो गया है, ठीक है, और बाकी किसी को कोई आपत्ति हो तो मुझे बताएं, मैं इस प्रॉपर्टी को सेल ऑफ कर रहा हूँ और किसी को कोई आपत्ति हो तो बताए। ये कुछ कंटेंट होता है जो फॉर्मेट होता है, ऐड डालने वालों के पास मिल जाएगा। ये दो काम करने पड़ेंगे, उसके बाद में उसकी CTC सर्टिफाइड ट्रू कॉपी बिल्डर के यहाँ से मंगानी पड़ेगी, बिल्डर बायर एग्रीमेंट की और पेमेंट रिसिप्ट की, और उसके बाद में आगे फाइल प्रोसेस होगी और लोन मिलेगा। ये एक प्रोसेस है। कई बार सेल डीड भी गुम हो जाती है। एक दो केसेस मेरे पास भी आए थे जिसमें पीछे की एक दो सेल डीड मिसिंग थी, उसमें भी सेम प्रोसेस हुआ, FIR हुआ और उसके बाद नेशनल न्यूज़पेपर में उसका ऐड डाला गया और फिर उसके बाद में उसको आगे होम लोन के लिए प्रोसेस किया गया। थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, 15-20 दिन, एक महीना लग सकता है, लेकिन हो जाता है। एक चीज़ और, जो सेल डीड मिसिंग होती है उसका सर्टिफाइड ट्रू कॉपी भी निकलवाना पड़ता है, ये मैंडेट है। मतलब तीन काम है, एक FIR, दूसरा ऐड डलवाना, तीसरा सर्टिफाइड ट्रू कॉपी निकलवाना पड़ता है। तो ये छोटा सा काम है और इस काम को कंप्लीट करने के बाद में होम लोन प्रोसेस हो जाता है, बायर को आसानी से लोन मिल जाता है और उनके पेपर भी लगभग कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए, इन सब के अलावा अगर आपको होम लोन से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए या कोई मदद चाहिए तो मुझे ज़रूर याद कीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर है और एक गूगल फॉर्म है, आप उसमें अपना नाम गाम डाल दीजिएगा और अपना क्वेश्चन ज़रूर एंटर कर दीजिएगा ताकि मैं उसी हिसाब से आपको मदद कर पाऊँ। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं सर एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में।